हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल भाई बहन मनोज ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो कल के 3 वीडियोस के कमेंट्स लेके मैं हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबसे कि आप लोग अपने कमेंट्स के वीडियो को ज़रूर सुनोगे और मुझे वैसे ही प्यार सपोर्ट दोगे जैसे आप देते हो। और कल के कमेंट्स के वीडियो में मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आप लोगों ने अपने अपने कमेंट्स को सुना है, मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मुझे कमेंट भी उसमें मुझे कमेंट्स मिला है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग अपने कमेंट्स के वीडियो को देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स के वीडियो को देखते हो तो वीडियो बनाने अच्छा लगता है। तो चलिए कल के 3 वीडियोस शुरू करती हूँ। यहाँ तो इतना नौटंकी हो रहा है, मैं कल बार बार एक ही चीज़ हर वीडियो में बोली हूँ कि भाई अब इतनी बातें नहीं चाहिए, अब सीधा दिखाओ क्या करना है। इतनी बातें देख देख के हम लोग ना बोर हो गए हैं, हो गए हैं कि नहीं आप ही बताइए। तो चलिए सबसे पहले मैं स्मार्ट अविनाश YT का मैसेज पढ़ूंगी। इन्होंने लिखा है, ज़्यादा लाइक डरे लोगों उनके चैनल में, इसलिए फालतू ड्रामा चल रहा है। अच्छा, ज़्यादा लाइक लोग दे, हाँ ठीक ही आपने कहा। मुझे भी ये चीज़ लग रहा है कि इनका भी व्यूज़ इतना कम हो गया था ना, तो इसलिए व्यूज़ ज़्यादा हो और लोग ज़्यादा लाइक करें इसलिए ये लोग फालतू ड्रामा फिर से चालू कर दिए हैं। मगर कब तक, इतना अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ एक ही चीज़ सुनना। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया। रीमा जी लिखा है, अब गुनगुन के पापा की एंट्री होने वाली है समर को बचाने के लिए, एकदम वो पीछे क्यों रहेंगे भाई, उनका तो दामाद है। थैंक यू रीमा जी, आपने मुझे मैसेज किया है। गीता जी लिखा, आप सही कहते हो, आपने हार्ट भी दिया, थैंक यू सो मच। रत्ना सुबित गोरा जी ने, यू आर राइट, थैंक यू सो मच। कंचन जी लिखा है, गुड, आपने हाथ दिया है बाबू को, बाय बाय, कैसे हो, स्ट्रांग बनो। हाँ, इतना स्ट्रांग बना कि मम्मा को मारता है पकड़ पकड़ के। एनीवेज, बहुत अच्छा है वो अभी फ़िलहाल। और थैंक यू सो मच कंचन जी, आप मुझे हमेशा मैसेज करते हो। फिर निधि जी ने लिखा है मुझे, यू आर रॉन्ग, यू टेक राधिका साइड, यू नो वेरी वेल राधिका इज शाउटिंग टू मच विद समर मदर एंड राधिका शो शूज टू समर, यू टेल टू अस दिस इज राइट और रॉन्ग, ईदर डोंट गिव अ कमेंट। नो, दैट इज रॉन्ग दैट शी इज शोइंग शूज टू हर हस्बैंड, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट वॉट अ वाइफ विल डू, शी विल नॉट शाउट। नाउ यू टेल मी, इफ योर हस्बैंड इज हैविंग अफेयर विद समबडी एल्स एंड not affair also, your husband is having ex-wife and you are the second wife and then आपका husband आपको छोड़ के अपनी ex-wife के साथ लगा रहे और आप अपनी mother-in-law से expect करोगी mother-in-law आपको support करे, but mother-in-law what she is doing, she is supporting the ex-bahu and her son, तो इसमें आप क्या करोगे, you will not shout, you will not do anything, आप भी चप्पल उठा लोगे हाथ में, ये मुझे पता है क्योंकि एक लेडी के घर के ऊपर जब आज आती है ना तो वह चप्पल किया बहुत कुछ घर में उठा लेती है क्योंकि उसको अपना घर बचाना है। यहाँ राधिका को मैं गलत इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि राधिका का किसी के संग अफेयर नहीं चल रहा है। अगर राधिका के किसी के संग अफेयर चलता और ऐसा कुछ होता तब मैं राधिका की साइड कभी नहीं होती। और ये कहना रॉन्ग है कि आई एम ओनली टेकिंग राधिका साइड, नो, आई एम टेकिंग द ट्रुथ साइड, राधिका शी इज़ अ ट्रू लेडी, दैट इज़ व्हाई आई एम टेकिंग हर साइड, अदरवाइज मैं उसका साइड नहीं लेती। और दूसरी बात है गुनगुन का जो साइड लेते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ व्हाट शी इज़, वो कभी समर के साथ कभी ध्रुव के साथ, उसको मतलब एक आदमी मिलना चाहिए। जब तक उसके प्रेगनेंसी में ध्रुव का एक सीन था, ध्रुव का एक हेल्पिंग हैंड था, तब तक वो ध्रुव को रखी, जैसे बच्चा घिसका ध्रुव को भी घिसका दी, गेट आउट, समर के बाद में आकर उसको भी जेल भेज दी। अपना ये चीज़ नहीं है, एक इंसान का तो होता है ना, अपना तो खुद का एक बुद्धि होता है कि मुझे क्या करना है, मैं दूसरे के बाद में क्यों चलूँ। तो उसका ऐसा कुछ नहीं है, समर ने जो कह दिया वो भी वैसे पत्थर की लकीर वो भी कर दिया। तो दिस इज़ नॉट मीन दैट आई एम टेकिंग राधिका साइड, आई एम टेकिंग द ट्रू लेडीज साइड। इफ गुनगुन इज अ ट्रू लेडी आई विल टेक हर साइड ऑल्सो, बट गुनगुन मुझे कहीं भी सच्ची नहीं लगती। गुनगुन को हमेशा एक मौके की तलाश रहता है कि कब समर के संग जाके रहा जाए, और अब तो लगता है कब फिर से बेबी प्लान, सेकेंड बेबी प्लान हो ताकि समर मेरे साथ रहे, और वो बाद में समर फिर उसको भी छोड़ देगा, वो अलग बात है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग मी। रेनू जी ने लिखा है, राइट, बिल्कुल सही बोला सिस्टर, आपने हाथ भी दिया, थैंक यू सो मच। फिर द डियाना जी ने लिखा है, गुनगुन इज हिज फर्स्ट लव, ही कैनॉट स्टॉप लविंग हिज फर्स्ट लव, कैन यू, नो, आई ऑल्सो कैनॉट स्टॉप लविंग माई फर्स्ट लव, बट इफ आई एम लॉयल टू माई फर्स्ट लव देन आई विल नॉट स्टॉप लविंग हिम, अदरवाइज मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। क्यों,
अगर मैं खुद ही सच्ची नहीं हूँ, मुझे हमेशा ये लड़का वो लड़का सब चाहिए, तब फिर मेरे लिए क्या फर्स्ट लव क्या सेकेंड लव, मेरे लिए लव नहीं है, लव इज़ ओनली फॉर लस्ट। अब मैं ताशी जी का मैसेज पढ़ूँ, उन्होंने लिखा है बिल्कुल सही बोला आपने, हार्ट भी दिया, थैंक यू सो मच आप लोगों को। अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरी वीडियो की ओर, जिसमें राधिका गई है अपना सामान लेने के लिए, पर यहाँ पे उनको सामान तो मिला नहीं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मैसेज पढ़ूँगी रीमा जी का, लिखा है बिल्कुल सही कहा आपने। खुशी बहन ने मुझे लाइक दिया, थैंक यू सो मच खुशी बहन, आप कैसी हो, आपका बेबी कैसा है बताइएगा ज़रूर। मीरा जी ने लिखा है आप हमेशा राइट बोलते हो, राधिका और उसकी माँ बहुत अच्छे हैं, आपने हार्ट दिया, थैंक यू सो मच। फिर मारी जी ने मैरी पाटेकर जी ने लिखा है आप बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, मैं हमेशा आपका कमेंट पढ़ती हूँ, फर्स्ट टाइम चांस मिला, थैंक यू सो मच, आप मुझे ऐसे लिखते रहना, आई अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। फिर रेनू जी ने मुझे हार्ट दिया, थैंक यू सो मच। रोशनी जी ने यू आर राइट लिखा, थैंक यू सो मच रोशनी जी। प्रतिभा जी ने लिखा राधिका चिड़चिर करती रहती है इसलिए सब बोलते हैं, हाँ चिड़चिर करती इसे सब बोलते हैं, थैंक यू प्रतिभा जी। स्मार्ट अविनाश जी ने लिखा है लाइक क्यों दे लोगों उसे चैनल में, अच्छा सेम चीज़ आपने लिखा है, हाँ लाइक के लिए लोग सब ऐसा कर रहे हैं। फिर गुरंग जी ने लिखा है राइट अपने हार्ट अपने लाइक दिया, थैंक यू सो मच। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर होगा तो मैं झट से पढ़ लूँगी, नहीं किसी का नहीं है, सबका मैसेजेस मैंने पढ़ लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने तीसरी वीडियो की ओर, जिसमें राधिका की मम्मी आ गई है फालतू टाइम वेस्ट करने। ताशी जी ने लिखा बिल्कुल सही बोला आपने, हार्ट दिया है। रीमा जी ने भी हार्ट दिया है। कंचन जी ने भी हार्ट दिया, उन्होंने लिखा है वेरी गुड, मेरा काना को क्या शब्द नहीं है, अच्छा मेरे कहने को कोई शब्द नहीं, थैंक यू सो मच कंचन जी। खुशी जी ने ओके और थम्स अप दिया, थैंक यू सो मच। और रेनू जी ने आपने सही कहा और हार्ट दिया, थैंक यू सो मच आप सभी को। अब मैं जा रही हूँ अपने कमेंट की वीडियो की ओर, कमेंट की वीडियो में देख लेती हूँ किसी का कमेंट अगर आया है, हाँ आया तो था, मैंने देखा था, एक बार देख लेती हूँ किसका कमेंट है, हाँ बहुत सारे कमेंट्स है। रत्ना जी का है गुड लिखा, थैंक यू सो मच। आशीष ने हार्ट दिया है। फिर यहाँ पे जी जी बी एफ बी एफ जी एच एच लिखा है ध्रुव और गुनगुन का डिवोर्स नहीं हुआ है राधिका पर समर ने हाथ उठाया, फ्लैट लेकर गुनगुन से शादी करना चाहता है, ये बातें वकील को नहीं मालूम है अब तक, अब गुनगुन का बाप आएगा, वो तो ज़रूर रहेंगे। रेनू जी ने लिखा है गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपने हार्ट दिया, थैंक यू सो मच। मारिया जी, हाउ आर यू मारिया जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू मैसेजिंग मी, आपने लिखा है सिस्टर हाउ आर यू एंड ऑल एट होम, हाउ आर योर चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन आर वेरी वेल वेरी गुड एंड माई फैमिली इज ऑल्सो वेरी गुड, हाउ आर यू एंड हाउ इज योर फैमिली मारिया जी, आपने हार्ट दिया है। दिस ब्लॉग इज गोइंग ऑन इन स्विंग नाउ अगेन, गुनगुन विल बी प्रेगनेंट, थर्ड क्लास वीडियो, एग्जैक्टली थर्ड क्लास वीडियो, समटाइम्स आई गेट सो मच इरिटेटेड बट क्या करूँ, वीडियोज बनाना पड़ता है, थैंक यू सो मच। सुनीता जी ने लिखा है आप बहुत अच्छा बातें करते हो और राधिका समर और गुनगुन के बारे में सही गलत बोलते हो तो अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच सुनीता जी, आई अप्रिशिएट इट। राजपाल जी ने लिखा है समर की माँ को फ्लैट मिल गया, गुनगुन और समर अब वही घर बसा कर रहेंगे एकदम, वो तो वही मौके की तलाश में है। फिर यूज़र FK6IU7CK8 जी ने लिखा यू आर राइट सिस्टर, समर इज़ एक्टिंग टू स्मार्ट बिकॉज ही इज हॉट, ही इज गॉट द हाउस, दे आर कमिंग टू बैग राधिकाज हाउस, ही स्पोक वेरी रूडली विद द लॉयर, नाउ लॉयर विल एट दिस पॉइंट ऑल्सो ही विल ही पुट ध्रुव इन जेल, नाउ इट इज़ समर्स टाइम टू गो इन द पैलेस जेल, I hope and pray that Ankit come and take that flat back. Exactly. I also pray the same. Geeta ji likha hai, aap sahi bol rahe ho. Thank you so much. Aapne heart bhi diya hai. Aap bahut pyara bolte ho. Thank you so much, Geeta ji. Bas mere paas itne hi messages the. All messages mere paas nahi hai. Bas mere video ka main yahi karti hu. End. Aur milti hu aapse phir se agle video mein. उम्मीद करती हूँ आप लोग जैसे प्यार सपोर्ट दोगे और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहोगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।